की वीडियोस को रन करके उनको वॉच टाइम दे सकते हैं। तो इसका क्या तरीकेकार है, तो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, यानी मेरा एक्सपीरियंस तजिया भी समझ लें, मेरा तजुर्बा समझ लें, ठीक है। तो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक ही पीसी में, एक ही कंप्यूटर में आप कैसे बहुत सारे ब्राउजर्स क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अगर किसी का जो कंप्यूटर है वो पेंडियम 3 भी है, पेंडियम 4 भी अभी तो आते नहीं है, पर आज मैं आपको जो है ना मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वहां पे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे अब आपके दिमाग में ये सवाल अभी आ रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो तो सेम होता है, अगर हम आईपी एड्रेस चेंज किए बगैर ही एक ही कंप्यूटर में इतने सारे ब्राउजर्स इंस्टॉल करेंगे और उस पर एक ही चैनल की वीडियो को प्ले करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके सारे सवाल के जवाब आते इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में जो इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सटेंशन हो गई या कोई भी वेब लिंक हो गया, उसका जो एड्रेस है इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको ले आया हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वो आपने क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, इसी में वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये सारे ट्रिक्स इसी में यूज करूंगा। तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये राइट साइड पे आपको एक साइन नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये मेरी बेसिकली डीपी है जीमेल की और मेरे चैनल की, ठीक है, प्रोफाइल पे इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको पेज एक शो कर देगा, आपने सबसे लास्ट में ऐड बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, आपका नाम पूछेगा, आपने यहाँ पे कोई सा नाम दे देना, मैं इसका नाम रख देता हूँ वन, ठीक है, और कोई भी देता हूँ ऐड, ठीक है, ये तस्वीर कर ली और इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक ब्राउजर हमारा जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है, ले जी गेट स्टार्टेड। ये हमारा एक ब्राउजर जो वॉच टाइम के लिए वो तैयार हो गया, वो नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, उसी तरह न्यू टैब में जाना है, ठीक है, न्यू टैब पे क्लिक किया, यहाँ से हमने उसी पहले तो हमने साइन इन की हुई थी तो हमारी डीपी शो कर रहा था, लेकिन आपने इस पर क्लिक कर देना ऐसे, ठीक है। ये जो आपको एक साइन नजर आ रहा है, ठीक है, यूजर अराउंड सा, इस पर क्लिक कर दें। उसी तरह आपने सेम प्रोसीजर दोहराना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ टू, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम रख के कोई तस्वीर पहचान के लिए सेलेक्ट करें, ऐड कर दें, ठीक है। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. मान पे तो जी, ये दूसरा ब्राउजर भी हमारा वॉच टाइम के लिए तैयार हो चुका है, दूसरा ब्राउजर भी हमारा वॉच टाइम के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। ले जी, आपने सेम प्रोसीजर दोबारा दोहराना है, ठीक है, न्यू टैब, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, इसका नाम मैं थर्ड 3 रख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा थर्ड जो है वो ब्राउजर है, 3 पे क्लिक करके ऐड कर दिया हमने, ठीक है। न्यू टैब में गए, न्यू टैब में जाने के बाद, सॉरी, न्यू टैब में गए, सेम प्रोसीजर हमें दोहराना है, इस पर क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है, इसका नाम चेंज करना है, नाम हम रख सकते हैं 4, ऐड पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। तस्वीर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चार जो ब्राउजर है हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है।
ठीक है, गेट स्टार्टेड, इसको आप नेक्स्ट कर दें, फिर आपने न्यू टैब में जाना है, ठीक है। तो न्यू टैब में जाके आपने यही प्रोसीजर दोबारा से दोहराना है, ठीक है, ठीक है। इस पे क्लिक किया आपने, मेन्यू पे ऐड पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। चार ब्राउजर ऑलरेडी बन चुके थे, अभी पांचवा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, फाइव और ये ऐड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे पूछ सकते हैं। ब्राउजर तैयार हो चुके हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, इनको मैंने सेपरेट कर लिया हुआ, ठीक है। अब मैं जो विंडोज ओपन की हुई थी, लीजिए हम इसका जो सिक्स ब्राउजर है वो भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लीजिए ये छह ब्राउजर जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, ठीक है, लीजिए ये भी ऐड हो चुका है, ओके हो गया। इसको क्लोज कर देंगे, ये बाकी सारे जितने ओपन हुए हैं इनको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। जितने भी ब्राउजर ओपन हुए हैं होंगे आपने उनको बंद कर देना, ठीक है। लीजिए ये जो सिक्स है ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जो आपका पहले वाला था वो आपने यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि आईपी एड्रेस का क्या रोल है, यानी एक ही अगर पीसी में हम इतने सारे ब्राउजर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कैसे, यानी किस तरह इस इशू को रिजोल्व किया जाएगा। आपने सिंपली जाना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम में, ठीक है। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने जो पहली शो कर रहे हैं इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपको आपका जो रिसेंट आईपी एड्रेस है वो शो कर देगा, आपकी लोकेशन शो कर देगा, आप कहाँ से बैठ के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वो कौन सा है। हम बीटीसेल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बीटीसेल शो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लोकेशन गुजरांवाला पंजाब रीजन पंजाब जाना है, ठीक है। जी आप जाएंगे न्यू टैब में, ठीक है, आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है, ठीक है। न्यू टैब में आपने जाके सिंपली YouTube टाइप करना है, ठीक है। YouTube ओपन करके आपने ले जी ये आपकी YouTube ओपन हो चुकी है, ठीक है। ले जी ऊपर ये राइट साइड में आपको जो USA का यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्लैग है वो भी शो कर रहे हैं कि आप इस वक्त जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यानी आप इस वक्त अमेरिका में बैठ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं, ठीक है। तो पहले हम पाकिस्तान में थे, जैसे ही हमने आईपी एड्रेस चेंज की तो हमारे लोकेशन आईपी सब चेंज हो गया, ठीक है। जो आप मेन आपने काम करना है ये करना है, जिसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं वॉच टाइम लेना चाहते हैं उसका चैनल आपने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ सिंपली उसका नाम लिखना चैनल का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा तनवीर कुकिंग एंड ब्लॉग्स, इसको एंटर करना है आपने, मैंने लिखा एंटर करने के बाद बड़े नेचुरल तरीके से आपने इनके चैनल को विजिट करना है, ठीक है। ये जो पहला लिंक है इनके चैनल का इस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि तनवीर भाई बड़े अच्छे भाई हमारे, तो इनका चैनल भी है जिसमें इंटरनेट की स्पीड ठीक होती है। कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जिनमें स्पीड जॉब सर्विस प्रोवाइडर हमारा बीटीसीएल, ठीक है। आईपी एड्रेस भी वही है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आपने अगर आपने बहुत सारे ब्राउजर्स में वीडियो चलानी है, वॉच टाइम लेना है या किसी को देना है, ठीक है, तो आप हर ब्राउजर में ये एक्सटेंशन यूज कर लें, ठीक है। तो आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि स्पैम नहीं होगा या कोई और इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आसानी के साथ वॉच टाइम ले सकते हैं। ऐसे आपके माइंड में डाउट रहेगा कि
हमने आई पी एड्रेस को चेंज किया नहीं था, आई पी एड्रेस तो वही था, हमारी डिवाइस इंटरनेट की वही थी, तो ये ना हो कि हमारा स्पैम हो जाए, इतनी मिनट जाया हो जाए, ठीक है। उसी तरह लेनी हम इसको ऑन कर लिया अपने एक्सटेंशन को, जैसे हमने स्टेप वन में किया था, इसको यहाँ से हमने क्लिक किया एक्सटेंशन को। अब इसकी जो लोकेशन है हम कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कर दी, इसका आई पी एड्रेस भी चेंज हो गया है। दोबारा से हम क्या करेंगे, जाएंगे न्यू टैब में, ठीक है, चैनल ओपन हो गया, नेशनल तरीके से आपने जाना है, ठीक है, प्लीज नहीं, ठीक है, तीन तो खुली डुली आ सकती है ऊपर, पहले हमारी जो पूरी स्क्रीन थी उसमें हम प्ले कर सकते थे तकरीबन, क्या तीन तो